हेलो मेरे प्यारे दोस्तों सो गाइस आज की वीडियो माई जोमेटो पे है गाइस देखिए जोमेटो स्टॉक की लिस्टिंग बड़ी ही दमदार हुई थी और उसने मैसेवली गेन भी किया था मतलब कि जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने आईपीओ लॉन्च होने पे 2021 में जब इसका आईपीओ आया था एंड 160 के अबॉव प्राइस पे जब ये लॉन्च हुआ था तो गाइस उन इन्वेस्टर्स को उस टाइम पे मतलब नियर अबाउट सिक्सटी फाइव पॉइंट फिफ्टी नाइन प्रतिशत का अच्छा खासा रिटर्न भी हुआ था लेकिन गाइज कुछ ऐसे सरकम हुए कि स्टॉक धड़ाम से गिरा और बहुत ही ज़्यादा इसमें स्टॉक मतलब उसकी पिटाई देखने को मिली जिससे कि इन्वेस्टर को लगने लगा कि लगता है अब इस स्टॉक का कुछ नहीं हो सकता और ये स्टॉक अब ऊपर भी नहीं जाएगा तो गाइज एक तरीके से आप कह सकते हो बड़ा ही नेगेटिव वे देखने को मिला था जोमेटो के अंदर बट अभी जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे है, आए हैं दमदार रिजल्ट्स आए हैं लेकिन गैस आप लोगों को पता होगा कि जोमैटो क्या काम करता है जोमेटो गैस रेस्टोरेंट से जो डिलीवरी बॉय होता है उसको कनेक्ट करके फिर सीधा कस्टमर से कनेक्ट करता है मतलब अगर बीच में जोमैटो ना हो ना डिलीवरी बॉय के रूप में तो रेस्टोरेंट से कस्टमर कभी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे मतलब डाय लोगों को जो घर में डिलीवरी चाहिए फूड की और लोगों को रेस्टोरेंट में जाकर खाना पड़ेगा एंड रेस्टोरेंट से डायरेक्ट ऑर्डर करवाना पड़ेगा तो जोमैटो ने उस बीच की जो डिफरेंसेस हैं उस बीच की जो दिक्कतें हैं उनको कम कर दिया है जोमेटो का रोल कैसे देखिए फूड डिलीवरी के तौर पे अगर देखा जाए तो जोमेटो का रोल काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है एंड वहीं इनके सीईओ का भी ये भी कहना है कि इसका जो ई मार्जिन है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है कैसे जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि ई अब पॉजिटिव होता जा रहा है जो इनके सीई ओ हैं दीपेंद्र गोयल जी उनका ये भी कहना है कि जो ई है अब वो पॉजिटिव है और उन्होंने अभी हाल फिलहाल में यूट्यूबर जो रणवीर आलावा वादियाँ उनमें अपना इंटरव्यू भी दिया है स्विगी से रिलेटेड और स्ट्रेटेज कोई भी बिजनेस से रिलेटेड बातचीत भी हुई थी लेकिन कुछ भी उन्होंने ऐसा डिस्क्लोज नहीं किया उन्होंने ये भी कहा कि स्विगी को वो अपने कॉम्पिटेटर के तौर पर नहीं देखते हैं एक तरीके से वो आप कह सकते हो कि, कि इंस्परेशन के रूप में देखते हैं उसे गाइस देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया इबीटा के बारे में तो आप लोगों को पता होगा कि ईबीटा का फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इन्वेस्टर टैक्सेस डिप्रिशिएशन एंड authorization guys EBITDA का मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के रूप में देखा जाता है जैसा कि मैंने कोई चीज़ ली है और अगर वो सात रुपए की है और मैं उसको दस की बेच रही हूँ तो तो उसको हम प्रॉफिट कहते हैं जिसको ईबीटा कहा जाता है गैस लेकिन जोमैटो के साथ ही हुई उसका नेगेटिव गया रीजन ये रहा कि गैस वो कोई चीज है बट उसको है ना जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि ईवीटा एक तरीके से नेगेटिव वे में जा रहा था एंड उनका जो कॉर ऑपरेटिंग था नेगेटिव हो गया था लेकिन एक अब वो पॉजिटिव में आ गया है गाइस इसमें आप जीओ भी देख सकते हो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू कहते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंपनी का ऑपरेटिंग मैरिट चेक करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि गैस मैं अभी बता दूं कि अभी इसके बारे में अभी सब कुछ हमें पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है एंड जोमेटो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का भी सोच रहा है जैसे कि आपको पता है जोमेटो का ब्लिंकिट के साथ मतलब उन्होंने ब्लिंकिट को एक्वायर कर लिया है एंड गैस जोमैटो एक तरीके से रॉ मटेरियल के साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि वो डायरेक्ट जोमेटो के थ्रू मतलब जिन लोगों को रेस्टोरेंट है में खाना खाना उससे भी कनेक्टेड आएगा गाइज इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करे हैं जैसे कि नॉन प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट हो गए उनको उन्होंने कैंसिल कर दिया हटा दिया अपनी लिस्ट में से उन्होंने इंक्रीज ऑर्डर वैल्यू करी है अपने ऑर्डर्स को बढ़ा दिया है सप्लाई चेन को उन्होंने इंप्रूव किया है गाइज भाई ब्लिंकिट को एक्वायर करके उन्होंने क्यिक कॉमर्स सर्विस को भी एक नया रूप दिया है आपको पता होगा कि क्विक कॉमर्स सर्विस में मार्जिन ज़्यादा नहीं होता क्योंकि उसके ऑर्डर्स थोड़े से कम रहते हैं गैज जोमेटो ब्लिंक ट को क्रॉस मतलब जोमैटो और ब्लिंकिट का जो ग्रॉस ओवर ऑर्डर वैल्यू है जिसको हम जियो वी कहते हैं वो दोनों ही बराबर देखने को मिल रहे हैं जिससे कि उनके मैनेजमेंट का ये भी मानना है कि आने वाले टाइम में कि आने वाले टाइम में ब्लिंकिट जोमेटो से अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर भी आ सकता है लेकिन गैस किसी भी अगर दोनों में से आप किसी भी स्टॉक में अगर बने हुए हो जोमैटो में बने हुए हो स्टॉक में बने हुए हो, तो गैस उसमें दस साल तो आपको वेट करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हो तो आपको आगे चल के अभी हर फ्लावर में रिस्क भी उठाना पड़ सकता है देखिए मैनेजमेंट का एक नया मोटिव लेकर चल रहे हैं इनके जो सी हैं कि वो साल भर में फोर्टी परसेंट तो रिटर्न अच्छा खासा देंगे ही गैस उसी के साथ साथ अगर हम इसके फंडामेंटल को भी देख लें गैस जैसे कि आप देखोगे इसकी क्वालिटी नॉट गुड ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है मतलब ज़्यादा कुछ बुरी नहीं है एंड वैल्यूएशन देखा जाए तो अंडर वैल्यूड है ट्रेंड अभी स्ट्रांग चल रहा है चार्ट आप देख सकते हो कितना अच्छा भागा जस्ट बिकॉज ऑफ रिजल्ट क्वार्टर टू के जो आए थे गाइस वही इसका आर ओ सी देख लीजिए नेगेटिव में देखने को मिलता है साथ के साथ अगर आप इसमें ये भी देखोगे कि जो इसके रिजल्ट्स हैं जो भी अभी जून के थे उसके तो दिखा रही हूँ मैं आपको तो उसमें भी सेल्स सही था पक्की सब आप देख रहे हो नेगेटिव देखने को मिल रहा है गाइस आर ओ ई में भी कोई पॉजिटिविटी नहीं है अभी भी मार्च तक का डाटा है इसमें नेगेटिव ही पोर्शन देखने को मिलता है हाँ कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है तो आप ये देख सकते हो ठीक है साथ ही आप देखो सेल्स ग्रोथ इज ग्रोइंग एट हेल्दी रेट इन लास्ट थ्री ईयर्स ठीक है एंड सेल्स ग्रोथ इज गुड इन द फोर्थ क्वार्टर बट इसका आर ओ ई नेगेटिव देखने को मिलता है साथ के साथ आप देखिए ई पी एस भी नेगेटिव है अभी कैस के साथ साथ आप सेल्स ग्रोथ देख रहे हो वो तो बड़ी है दो हज़ार तेईस में वो बड़ी है एंड साथ के साथ आप ये देखिए आर भी नेगेटिव देखने को मिलता है आर भी नेगेटिव देखने को मिलता है गाइज कंपनी इज ऑलमोस्ट फ्री एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर स्टॉक इज एट जीरो बुक वैल्यू कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे कि मैंने आपको बताया एंड अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम उसमें भी आप देखिए सेवन एंड थर्टी सेवन करोड़ देखने को मिलता है गाइज अभी जैसे क्वार्टर टू के रिजल्ट आए कंपनी को छत्तीस करोड़ का प्रॉफिट हुआ है जो कि पिछले साल जून में दो करोड़ का था लेकिन अगर बिफोर देखा जाए

सौ so, इक्यावन करोड़ का इसको लॉस हुआ था जून क्वार्टर की बात कर रही दो करोड़ का कंपनी जब एडिशनल एक्स्ट्रा में टैक्स पे कर देती है तो जब उसको ल, सब कुछ कैलकुलेट करके जमा घटा करके निकाला जाता है तो कंपनी को जो प्रॉफिट मिला वो दो करोड़ का मिला कितना अच्छा बात रहा ना गाइस वही कंपनी ने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट भी करके दिखाई है अगर मैं इसका अर्निंग पर शेयर की बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हो पहले नेगेटिव था बट अभी जीरो पॉइंट जीरो फोर देखने को मिल रहा है तो गाइज़ ऑल ओवर जोमैटो के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं अगर आप जोमैटो पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट सोच के चलना पड़ेगा शॉर्ट टर्म की नहीं क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा बाकी गाइज खुद से स्टडी करो चेक करो देन इन्वेस्ट करो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय गायज थैंक यू